नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल सर्जिकल नर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है वो आप किस तरह से कन्वर्ट करा सकते हैं एक स्टेट से अदर स्टेट में। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट करवाने के लिए यहाँ पर चार स्टेप दिए गए हैं। चार स्टेप्स के बारे में हम देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप दे रखा है दोस्तों, अप्लाई फॉर द अदर स्टेट, यानी कि जिस स्टेट के अंदर आपको जाना है या जिस स्टेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट करवाना चाहते हैं उस स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको 2000 रुपये की एक स्लिप कटवानी होगी दोस्तों, जो कि ऑनलाइन होती है। जैसे कि मैंने अपना कन्वर्ट करवाया था मध्य प्रदेश से राजस्थान के अंदर, तो हमारे जो राजस्थान में दोस्तों जो पोर्टल है नर्सिंग का वो ऑनलाइन है, और जो भोपाल का है, जो MP का है वो ऑफलाइन है। तो हमें यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन राजस्थान में कन्वर्ट करवाना है तो हमें जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन बेसिस पे होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने 2000 रुपये की जो स्लिप है उस कटवाई, और उसके साथ ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर स्कैन करवाए दोस्तों। तो किस तरह से आप स्कैन करेंगे, चलिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है RNC। जैसे कि मैंने यहाँ पहले ही टाइप कर रखा है RNC, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके यहाँ पर सामने एक ऐसा इंटरफेस सामने आ जाता है। यहाँ पर आपके ऊपर फर्स्ट नंबर पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग। जैसे कि आप अगर जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का यहाँ पर RNC का नाम लिखिए, या फिर नर्सिंग काउंसलिंग का नाम लिखिएगा। जिस तरह से मैंने अपना राजस्थान में कन्वर्ट करवाया है तो मैंने RNC लिखा है। तो यहाँ पर राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आगे का जो पेज ओपन होगा उसमें यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जिन लोगों को राजस्थान में कन्वर्ट करवाना है उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ जो अपने को यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों, पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट विल अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन एट पोर्टल, यानी कि आपको ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन का जो ऑप्शन यहाँ पर हमें नहीं है। एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू RNC फॉर प्रोसेसिंग, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा या एप्लीकेशन होगी वो आपको RNC में भेज दी जाएगी। RNC विल आस्क फॉर NOC फ्रॉम रेस्पेक्टिव SNRSC, यानी कि आपकी जो पेरेंटल नर्सिंग काउंसलिंग है वहाँ से RNC एक लेटर भेजेगी और वहाँ से NOC के लिए मांग करेगी। फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल रिसीविंग ऑफ NOC फ्रॉम रिस्पेक्टिव SNRC रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी अलॉटेड टू कैंडिडेट, यानी कि NOC मिलने के बाद जो RNC है वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट कर देगी दोस्तों। फिफ्थ नंबर में है हिज हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी डिस्पैच थ्रू पोस्ट एट देयर कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस आपने दिया है वहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो घर पे बाई पोस्ट आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमारी डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ गया है, जिसके अंदर सबसे पहले कोर्स अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर दो ऑप्शन है दोस्तों कि आप अपना कोर्स कौन सा है, GNM है, BSc है या क्या है। GNM BSc अगर आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है, NM करना है तो वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे मान लीजिए GNM BSc का कन्वर्ट कराना है तो मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, जो मार्कशीट के अंदर आपका नाम है वो यहाँ पर नाम सेव करना है। फादर्स नेम, 10th की मार्कशीट के जिस तरह से नाम लिखे हुए हैं उसी प्रकार यहाँ पर नाम आपको फिल करने हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी है आपकी, बर्थ प्लेस यानी कि आपका जन्म किस जगह पर हुआ है वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट। जेंडर, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, प्राइमरी मोबाइल नंबर और सेकेंडरी मोबाइल नंबर, दो नंबर इसलिए पूछे जाते हैं ताकि कभी अगर एक नंबर बंद हो तो दूसरे पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पर नेशनलिटी के बारे में पूछा गया है कि आप भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं, जहाँ से भी हैं वो यहाँ पर हमको फिल करना है दोस्तों। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है दोस्तों ये है परमानेंट एड्रेस, यानी कि यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है जहाँ पर आपका बाई पोस्ट जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके घर पर पहुँचेगा। अगर यहाँ पर आपने एड्रेस सही से नहीं डाला तो आपके जो
जिस स्टेशन है उसको पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लगभग आप सेम ही रख सकते हैं। नर्सिंग स्कूल या कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर अपना फिल करना है। पेरेंटल काउंसलिंग यानी जहाँ से आपने नर्सिंग की है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर आते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके अभी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, आपके जो सर्टिफिकेट है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर हमको फिल करना होता है दोस्तों। फिर रजिस्ट्रेशन डेट कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कब वैलिड हुआ था। फिर ट्रेनिंग पीरियड, आपने कब से लेकर कब तक अपनी ट्रेनिंग पूरी की दोस्तों। अब यहाँ पर जो डेट है फ्रॉम यानी कि कब से और डेट टू यानी कब तक आपने अपनी नर्सिंग जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट की। डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, देखिए दोस्तों सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि आपकी जो ट्वेल्थ और टेंथ की मार्कशीट्स होती है वो यहाँ पर चाहिएगी। सेकेंडरी मार्कशीट के अंदर यहाँ पर टेंथ की जो हमारी मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी है और सीनियर सेकेंडरी यानी कि ट्वेल्थ की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो ध्यान रखने के लिए है, यहाँ पर हमें GNM की 3 साल की, जैसे आपने BSc नर्सिंग है तो आपके 4 साल की जो मार्कशीट्स हैं उनका एक ही PDF बना के अपलोड करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक PDF के अंदर आपकी 3 या 4 जो भी मार्कशीट्स हैं वो सारी इसके अंदर होनी चाहिए दोस्तों, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। आधार कार्ड यहाँ पर स्कैन करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपना जो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। लास्ट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यहाँ पर जो भी डिप्लोमा है आपका, जैसे आप GNM करते हैं तो वो GNM का डिप्लोमा यहाँ पर आपको अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर एक फ़ोटो का आपकी मांगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है आपको। और आपका जो फीस अमाउंट है दोस्तों वो यहाँ पर है 3,000। मैंने जब दोस्तों जब अप्लाई किया था उस वक्त इसकी जो फ़ीस थी वो 2,000 रुपये थी, लेकिन अब यहाँ पर फीस बढ़ा कर 1,000 रुपये बढ़ा दी गई है और यहाँ पर अब 3,000 फीस अमाउंट है दोस्तों। अब ये सब देखिए दोस्तों, सब कुछ डिटेल फिल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली पे के बटन पर जो है क्लिक करना है और अपना जो अमाउंट है 3,000 का वो बाई आप कार्ड या जो डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है उससे भी पे कर सकते हैं और UPI के द्वारा भी आप यहाँ पर पे कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना जो है 3,000 तो इस प्रकार आप अपना जो 3,000 का जो अमाउंट है वो इस तरह से आप यहाँ पर पे कर सकते हैं और अपने जो अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के लिए। 3,000 की स्लिप यहाँ पर पे हो जाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस प्रकार की एक स्लिप आपको स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, इस प्रकार की स्लिप आपको एक स्लिप मिलेगी जो कि आपको संभाल कर रखनी है। फ्यूचर में जब आप वहाँ पर आप NOC के लिए अप्लाई करने जाएंगे तब आपको ये स्लिप वहाँ पर अटैच करनी होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर दिया गया अप्लाई फॉर द NOC यानी कि आपका जो पेरेंटल नर्सिंग काउंसलिंग है, यानी कि अगर जहाँ से आपने नर्सिंग की है, यानी कि जिस तरह से मैंने मध्य प्रदेश में नर्सिंग की थी तो मध्य प्रदेश के जो मेरी नर्सिंग काउंसलिंग है वो मेरी पेरेंटल नर्सिंग काउंसलिंग हुई दोस्तों। तो वहाँ पर मुझे NOC के लिए अप्लाई करना है। NOC के लिए अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पर जाना होगा अपनी नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर और वहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन के साथ में एक 800 रुपये की स्लिप कटेगी दोस्तों। आपके स्टेट के अंदर कितने की कटती है वो आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर 800-900 रुपये की एक स्लिप कटती है। NOC स्लिप होगी दोस्तों, उसकी दो कॉपी आपको मिलेगी। एक कॉपी आपको ऑफिस के अंदर जमा करवानी होगी विद ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन और एक कॉपी आपको दी जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बीच में कम से कम 7 से 10 दिन का समय देना है दोस्तों। यानी कि अप्लाई करने के 7 से 10 दिन बाद में ही आपको वहाँ पर NOC के लिए अप्लाई करने के लिए जाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है वो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जमा कराने के बाद आपको 1 मंथ के लिए वेट करना होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको 1 महीने तक वेट करना होता है। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है टैग लेटर डिस्पैच नंबर, यानी कि अगर आपके 1 महीने के अंदर भी अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है कन्वर्ट होकर आपके घर पर नहीं आता है तो आपको यहाँ पर जो 3 नंबर का स्टेप है उसको फॉलो करना है। यानी कि आपको जो अदर स्टेट है जहाँ पर आपने कन्वर्ट कराने के लिए अप्लाई किया था वहाँ पर आपको जाना है काउंसलिंग के अंदर और वहाँ पर लेटर डिस्पैच नंबर वहाँ से हमको देना है दोस्तों। लेटर डिस्पैच नंबर का मतलब ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं अदर स्टेट के अंदर तो जो अदर स्टेट है वो आपकी पेरेंटल नर्सिंग काउंसलिंग के को एक मैसेज या एक लेटर सेंड करते हैं और वहाँ से वो NOC मेल करते हैं। अगर किसी कारणवश यहाँ से NOC मेल नहीं हो पाई तो हम वहाँ पर अपने जो अदर स्टेट है जहाँ पर हमने कन्वर्ट करने के लिए दिया है वहाँ से हमको लेटर डिस्पैच नंबर लेके आने हैं। जो डिस्पैच नंबर लेने के बाद आपको सीधा जाना है
अपने स्टेप नंबर फोर की तरफ। स्टेप नंबर फोर में क्या है देखिए दोस्तों, टेक एनओसी डिस्पैच नंबर। आप जब अपने पेरेंटल नर्सिंग काउंसलिंग जाएंगे, लेटर डिस्पैच नंबर आप दिखाएंगे, तो वहाँ से आपको एक एनओसी डिस्पैच नंबर दिए जाएंगे दोस्तों, जो कि स्क्रीन पर मैं आपको दे रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। तो एनओसी डिस्पैच नंबर को आप लेकर अपने वापस अपने अदर स्टेट की जो काउंसलिंग है वहाँ पर जाकर आप अपनी एनओसी डिस्पैच नंबर वहाँ पर शो करेंगे या दिखाएंगे, तो उसके बाद उस 20 से 25 दिन या एक महीने के अंदर अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो जाएगा और उसके बाद में बाई पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा दोस्तों। मेनली फर्स्ट और सेकंड दो स्टेप ही यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पर दो स्टेप के बाद ही कई लोगों का रजिस्ट्रेशन घर पर आ जाता है। लेकिन कई कारणवश अगर लेटर का जो डिस्पैच है वो नहीं हो पाता है या एनओसी का डिस्पैच नहीं हो पाता है, तो ये जो यहाँ पर 3 और 4 स्टेप दे रखे दोस्तों उनको फॉलो किया जाता है। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के साथ में दिक्कत आती है कि वो 1 मंथ का वेट करने के बाद भी उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो वो उनको यहाँ पर 3 और 4 नंबर के ये जो दो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट करवाया था भोपाल यानी मध्य प्रदेश से राजस्थान में, तो मैंने बहुत से मुश्किलों का सामना किया था और उसी के एक्सपीरियंस से मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पूरे स्टेप्स आपने अच्छी तरह से फॉलो करके आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट करवा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेडिकल सर्जिकल नर्स के साथ में, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।